ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ तीन और खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं विंध्य की खबरों के लिए। अशोक शुक्ला जी आपका स्वागत है, महाकौशल से पंकज पटेया जी और भानु चौबे जी हमेशा की तरह इंदौर से जुड़ेंगे और मालवा और निमाड़ की खबरों पर। सबसे पहले भानु चौबे जी, मालवा का मिजाज क्या है सर, इस वक्त अखबार क्या कह रहे हैं? कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ चिंता है, कुछ विकास की बात है, या अपराध ही कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रहा है? अपराध का हिस्सा अखबारों में बढ़ता जा रहा है, अधिक है, क्राइम की घटनाएं बहुत है और इंदौर के अखबारों ने मोदी जी के भाषण को लीड बनाया है। स्वच्छता के बारे में इंदौर की तारीफ की है उन्होंने। स्वच्छता की जब बात होती है तो आपके इंदौर का जिक्र जरूर होता है, तो कुछ अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ रही हैं या कुछ नई चुनौतियां भी अब इंदौर के सामने हैं? नई चुनौतियों की संख्या अधिक है क्योंकि जैसे जैसे स्वच्छता का तारीफ होती है उतने उतने कठिन होती जाती है चुनौती। और अमले से काम कराना, आप जानते हैं कि सरकारी अमले से काम कराना कितना मुश्किल है। और फिर भी फिलहाल अखबार क्या कह रहे हैं सर, अखबार का मूड क्या है? अखबार सड़कों को लेके, पैचवर्क को लेके बहुत आंदोलित है, नाराज है। नगर निगम की खिंचाई हो रही है लगातार और सड़क हादसों की खबरें हैं। उज्जैन की छात्रा की कल मौत हुई है गड्ढों की वजह से, अभी दो तीन दिन पहले भी ऐसा हुआ था। और अतिक्रमण, अवैध माफिया के खिलाफ ये सब आंदोलन चल रहे हैं, सरकार के कार्रवाई चल रही है, इसकी खबरें हैं। मानो जी आजकल पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होते हैं वाया इंदौर, खासतौर से भाजपा के जो प्रभारी है मुरलीधर राव वाया इंदौर भोपाल पहुंचते हैं, इस खबर को किस तरह से लिया गया है? ये रेगुलर फीचर में नहीं है राकेश जी, लेकिन ये जब जब कोई घटना आती है तो बात बनती है ऐसी। इंदौर की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बड़ी अजीब है, बड़ी जो गुपचुप चलती रहती है, बहुत इशारेबाजी होती है, तो मालूम समझने वाले ही समझ पाते हैं, लेकिन रेगुलर फीचर नहीं है। जो प्रमुख अखबार है उनमें एक सी खबरें हैं या कुछ विरोधाभास भी है? ज्यादातर अखबार डिजाइन बदलते हैं, खबरें वही रहती हैं। एक भास्कर की मैं थोड़ी सी अलग से बात करूंगा कि वो कुछ होमवर्क करके अपनी तरफ से एडिशन करते हैं, जो वैल्यू एडिशन कहलाता है। जी जी, वैल्यू एडिशन जी। बाकी अखबारों में तो जस का तस छापने की प्रथा है और कुछ अखबारों का तो सरकारी गजट की तरह छपता है, समाचार जो लिख के भेजा वो चल गया। और खंडवा उपचुनाव की सरगर्मी शुरू हो रही है, अरुण यादव वर्सेज अर्चना चिटनिस वर्सेज जयश्री सिंह स्थान की खबरें हैं इसमें, और सुरेंद्र सिंह जी के दावे छप रहे हैं, देखिए किसको टिकट मिलता है। कोई राष्ट्रीय खबर जो अखबार के इंदौर के अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की, मोदी जी का जिक्र आपने किया ही है, स्वास्थ्य वाला, स्वच्छता वाला, इसके अलावा कोई खबर हाईलाइट हुई है? जी हाँ, एक और हाईलाइट हुई है, किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, कल फटकारा है बहुत जी, कि आपने शहर का गला घोट रखा है और अब अंदर आके शहर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी खबर, अच्छी तरह उसको प्ले किया गया है और बड़ी खबर छापी है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। और एक एयर इंडिया की मैं जिक्र करूंगा, टाटा के पास एयर इंडिया फिर वापस पहुंच रहा है। भोपाल से प्रकाशित अखबारों में थोड़ा कंफ्यूजन है उस खबर को लेकर के, इंदौर का मिजाज क्या है, इंदौर क्या कह रहा है? इंदौर ने कहा है कि सबसे ऊंची बोली लगाई है, बाकी अखबारों ने लिखा है कि उनको मिल गया ये एयर इंडिया। वही जी हाँ, हमारे यहाँ बोली की खबर छप रही है और ऊंची बोली का मतलब ही है कि मिल गया वो। चलिए अशोक शुक्ला जी के पास चलते हैं, रेगांव के अलावा, रेगांव को भी तो आपकी टिप्पणी चाहेंगे, लेकिन बाकी बिंद में अखबार क्या बोल रहे हैं सब? बिंद में कई तरह की खबरें हैं, जैसा आपने रेगांव का जिक्र किया है, कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसके चलते दो लोगों ने वहां से नामांकन पत्र लिया है। इसका अब टाइफस के मरीज मिले हैं और गांधी जयंती में मैं आपको एक घटना सपना की याद दिला दूंगी, 1940 में गांधी जी जब मुंबई से इलाहाबाद जा रहे थे तो यहाँ पे गुजरे थे और उनके पुत्र हीरा लाल यही सतना में रहते थे, उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके चलते गांधी जी ने अपने पुत्र को अपने से अलग कर दिया था और ये स्टेशन पहुंचे थे मिलने के लिए और गांधी जी ने इनसे मिलने के लिए मना कर दिया था, ये अखबारों में बताया है। दूसरी एक खबर गांधी जी से जुड़ी रीवा की है, उनके अस्थि कलश को रीवा के लक्ष्मण बाग में रखा गया था, वहां से ट्रेन के द्वारा पहले सतना आया, सतना से भी वहां गया, तो इसका टाइफस के मरीज मिल रहे हैं, ये बीमारी से जुड़ी खबर है। अनूपपुर में और शहडोल में जो है कोरोना के भी मरीज मिले हैं और शहडोल संभाग में एक भूमाफिया का बड़ा जो है
कब्जा था उसको बेदखल किया गया है, उस आस्ती भूमि से जिसकी राशि कोई 90 करोड़ रुपया बताई जा रही है। और आपके रीवा में जो है जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ के रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज को MBA की प्राथमिकता मिली है, बहुत बड़ी खबर है। रीवा संभाग के लिए खबर है, AKS यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी खबर है। 3 विषय हैं इंजीनियरिंग के जिनको लेकर MBA ने उसको प्रमाणित किया है। और आपके वायरल फीवर के जो मरीज बढ़ी रहे हैं, उपचुनाव को लेकर जो दावेदारी चल रही है रहेगा की उसको लेकर बड़ी रसाकसी मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मची हुई, इसको भी अखबारों ने इस खबर को भी उठाया है। और रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी पकड़े गए हैं, ये भी विभिन्न प्रदेश की खबर है। ये उज्ज्वला योजना के तहत किसी से 18,000 रुपए की राशि ले रहे थे, इनको लोकायुक्त ने पकड़ा है। और एक और खबर पन्ना से है, यहाँ के एक अधिकारी को 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और जैसा आप अभी महत्वपूर्ण खबरों का जिक्र कर रहे थे, भानु जी ने भी कुछ राष्ट्रीय खबरों का जिक्र किया है। मैं आपको बता दूं, आज भास्कर ने प्रदेश से ये प्रकाशित किया है कि भारत के जो प्रशासनिक अमला है उसका व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक है। तो ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं यहाँ की। अशोक जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, कुछ प्रमुख अखबारों के अलावा छोटे स्थानीय क्षेत्रीय अखबार हैं, उनमें किस तरह से खबरें आजकल मिलती हैं? अब जो छोटे अखबार हैं वो अपने अस्तित्व की एक लड़ाई लड़ते रहते हैं, उसके चलते उनकी जो खबरें होती थोड़ा पैनिक होती हैं, वो अधिकारियों के खिलाफ होती हैं, वो नेताओं के खिलाफ होती हैं। और चूंकि खबरों के लिहाज से उनके पास में कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, ऐसा इंतजाम सोर्स नहीं है खबरों का। जी बिल्कुल उनके पास इस तरह के इंतजाम नहीं है जिससे वो महत्वपूर्ण खबर हो। आप खोज खबर वाली पत्रकारिता रहे कहाँ गई है राकेश जी? जी जी, खोजी खबर तो पहले कभी हम करेंगे, इस पर चर्चा फिर करेंगे, लेकिन आज तो टुडे हेडलाइंस की बात है। लेकिन एक खबर का और हम जानना चाहेंगे, कुछ इलाका बिंद का उत्तर प्रदेश से लगा है, क्या मध्य प्रदेश की खबरों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जो डेवलपमेंट है उनका कोई जिक्र इस क्षेत्र के अखबारों में होता है? एक बड़ा इलाका जो है उत्तर प्रदेश और विंध्य प्रदेश का जो है आपस में मिला हुआ है, चित्रकूट के प्रदेश से शुरू होता है ये, तो आपकी सिंगरौली तक चला जाता है। और जो सिंगरौली से प्रकाशित अखबार होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश की भी खबरें होती हैं, और उन खबरों में कहीं मध्य प्रदेश के राजनीति की भी खबरें होती हैं। फिलहाल तो चुनावी खबरें कहीं दिख नहीं रही हैं। चलिए एक बार अब पंकज पटेल का रुख करते हैं महाकौशल को लेकर। पंकज जी, कुछ खास कुछ अलग इस पूरे मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों से महाकौशल को देखा जाए, क्या अखबार में कुछ अलग है? जी, आज कुछ एक खबर जरूर है, वो सभी अखबारों में एक परार्थी छपी है, वो महत्वपूर्ण मामला है। एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, एक लॉ स्टूडेंट उसने याचिका दायर की, उसका ये कहना है कि 710 सरकारी कार्यालय मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां RTI का पालन नहीं होता। मामले में हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और राज्य सूचना आयोग को और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। ये खबर आपने बताई है, राजधानी बिंद, मालवा बिंद और दूसरी जगह अगर जिक्र किया तो वहाँ इस तरह की कोई खबर का जिक्र नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर कोर्ट का मामला है तो जबलपुर से ही इस खबर को आना था। राकेश जी, इसमें मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है वो जबलपुर में है, जबलपुर में दायर होने वाली याचिका या उससे संबंधित निर्देश पूरे मध्य प्रदेश में लागू होते हैं। लेकिन ये जनहित से जुड़ी खबर है ना, दूसरे अखबारों में भी हिस्सा बन सकती, हो सकता है अन्य प्रदेश कहाँ होगा। बाकी और कौन सी खबर है पंकज जी? बाकी और एक हमारे यहाँ जबलपुर में एक जो स्वर्णिम विजय मिसाल है, आप कल जबलपुर आगमन पर अखबारों ने बड़े प्रमुखता से खबर छापा, सेना का बड़ा आयोजन था। गांधी जयंती है आज, इस पर कहीं गांधी जयंती सभी अखबारों ने मास्क के साथ गांधी जी को लगाया है, खबर अच्छी है। और दूसरा एक मैं आपको ये बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 100% PG सीटों के आरक्षण के मामले को चुनौती दी गई, इसमें राज्य सरकार और NCI दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दूसरा एक जबलपुर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर अकेला शहर है मध्य प्रदेश का जिसमें 5 रक्षा संस्थान है और जो सेना के लिए गोला बारूद और व्हीकल और एम्युनिशन बनाते हैं, उनके निगमीकरण की जो है कल से निगमीकरण हो गया और उसमें पहले दिन जो है वो निर्माणियों के बोर्ड बदल गए, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं उनके बोर्ड बदल गए, मतलब इतना विरोध चल रहा था कि निजीकरण का, उसके बाद भी निजीकरण का मामला सामने आ गया है और उनके बोर्ड बदल गए और कर्मचारियों ने कल काला दिवस मनाया, शोक दिवस मनाया। डेंगू की क्या स्थिति है? डेंगू का एक मामला अखबार आज भास्कर ने अलग हटके खबर छापी है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो डेंगू पीड़ित है उनमें हाई फीवर हिस्ट्री मिल रही है, मतलब जबलपुर में लगातार बढ़ रही है। जैसे अभी मैं भानु जी ने वहाँ की बात करी थी इंदौर की सफाई की, आपने उनसे पूछा था, तो वो जबलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ स्वच्छता को लेकर जो है बिल्कुल लापरवाही है और यहाँ संक्रामक रोग इतनी तेजी से फैल रहे हैं। डेंगू के समय जबलपुर में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मरीज जबलपुर में ही हो, 657 पॉजिटिव मिल चुके हैं और हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
इसमें प्रमुख बात है, पत्रिका ने इसी को लेकर बहुत बड़ी बढ़िया खबर छापी है। तो जबलपुर में जो एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, जो जैसे कचरों को विनिष्टीकरण करके उनको वहाँ बिजली बनाई जाती है, उस प्लांट को कचरा नहीं मिल रहा, मतलब वो प्लांट प्रॉपर बिजली नहीं बना पा रहा क्योंकि कचरा नहीं मिल रहा, और शहर में पूरे शहर में कचरों के ढेर लगे। कोई ऐसी खबर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगले सप्ताह के कुछ उसमें संकेत मिल रहे हो? अगले सप्ताह, ये तो महत्वपूर्ण खबर तो राकेश जी पॉलिटिकल बड़ी हुई ये इसलिए बन जाती है कि कांग्रेस जबलपुर में लगातार महंगाई बेरोजगारी को लेकर आंदोलन कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एकजुट होकर आंदोलन नहीं कर रही। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने अपने कोई ऐसी खबर को स्थान मिला है कि जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण मीडिया से जुड़े लोगों का होने वाला हो? हाँ हाँ, आज जबलपुर में आज स्वास्थ्य शिविर है, और जो भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पारासर वहाँ पहुँच चुके होंगे। हाँ, लोकेन्द्र पारासर आ गए हैं, 12 बजे इसका शिविर का उद्घाटन है, और पत्रकारों की चिंता करी सरकार ने। चलिए, समय अभाव है पंकज जी, लेकिन खबर आपने विस्तार से बता दी है, शुक्रिया अदा करेंगे। पंकज पटेल जी, अशोक शुक्ला जी, भानु चौबे जी, तो टुडे हेडलाइंस में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए डीएनएन।